सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और गाइस यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं 100 सब्सक्राइबर स्पेशल टेक्स्ट पैक शोकेस। सो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी टेक्स्ट पैक को और भी अच्छा करके आप लोगों के पास लाऊं। सो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारे टेक्स्ट पैक के अंदर सबसे पहले हमारे आता है ये हमारे टेक्स्ट पैक के अंदर सबसे पहले आता है हमारा फूड। सो फूड जो हमारा है वो एकदम ही नॉर्मल है, क्योंकि मैं एनिमेशन नहीं लगा पाया इसके अंदर, ठीक है। तो गोल्डन एप्पल भी हमारा एकदम नॉर्मल ही है, इसके ऊपर भी एनिमेशन नहीं लगा पाया हूँ मैं, सॉरी। नेक्स्ट टाइम ज़रूर एनिमेशन लगाएंगे इसके ऊपर हम, ठीक है। ये फूड एनिमेशन मेरे मॉड की वजह से है। फिर हमारा जो टोटम है वो भी एकदम ही नॉर्मल सा है, ताकि आप लोग जो है अपनी स्किन का टोटम बना सकें, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने अपना बनाया हुआ था वैसे ही। सो फिर हमारा आता है फ्लिंट एंड स्टील, मतलब कि आग, ठीक है। इसके ऊपर भी कोई एनिमेशन नहीं है। और हमारी जो फायर है वो भी एकदम, मतलब जो फेस के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगी वो छोटी है, जिसकी मदद से आपको पीवीपी में काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। सो फिर हमारा आता है नेदराइट का आर्मर। सो आर्मर जो है हमारा, उसके अंदर यहाँ पर कुछ टेक्सचर्स चेंज हैं, जो कि मैं आर्मर के ऊपर भी लाऊंगा, लेकिन अभी मेरे से चेंज ही नहीं हो रहे थे, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर लगा दिया, बाकी उसके ऊपर नहीं किया। फिर हमारा आता है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट जो कि हैंड में पकड़ने में एकदम नॉर्मल ही है, ठीक है। इसके ऊपर भी कोई एनिमेशन नहीं है, इसके ऊपर भी मैं सेम टू सेम ऐसे ही लगाऊंगा। फिर हमारा जो आर्मर है डायमंड का, वो भी एकदम ही नॉर्मल सा है, क्योंकि आर्मर्स नॉर्मल में ही अच्छे लगते हैं। फिर हमारी आती है एंडरपल, जो कि मैंने पता नहीं सही किया या ख़राब किया, लेकिन ये मैंने ज़रा वो एंडरमैन के कलर की कर दी है, ठीक है, पर्पल एंड ब्लैक, क्योंकि एंडरमैन का कलर ब्लैक होता है और साथ ही साथ में फिर थोड़ा बहुत वो एंड का कलर जो है वो थीम पर्पल होती है। सो मैंने इसको पर्पल एंड ब्लैक कर दिया। फिर हमारी जो पिकैक्स हैं, वो मैंने सारी पिकैक्स के ऊपर ये एक छोटा सा चेंज किया है मैंने, ठीक है। यस, ये देखें, अब इसके ऊपर अगर आप गौर से देखें ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यस, इसके ऊपर ये छोटा सा एकदम एमरल्ड बना हुआ है। आयरन वाली पे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन नेदराइट वाली बाकी सब के ऊपर एकदम छोटा सा है। ऐसे मतलब वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने कहा कि हाँ मैं ये ऐसे ही करूँगा, ठीक है। फिर हमारे आता है भाई, ये कहाँ आ गए हो आप, चलो खैर। फिर हमारे आते हैं एरोज, जो कि एकदम ही नॉर्मल है, ठीक है। इसके ऊपर मैं एनिमेशन किसी चीज़ पे नहीं लगा पाया हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। सो फिर हमारी आती है क्रॉसबो वगैरह, जिसके मतलब ये देखो ना, अभी ये देखें कलर्स इसके चेंज होते हैं। ये रेड हो जाता है जब ये एकदम लॉक हुई भी होती है कि हाँ अब ये रेडी है, लोडेड है। और ऐसे ही बो के ऊपर भी हमारे आते हैं, आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखें, ये येलो, ग्रीन और रेड आते हैं। रेड पे मतलब कि ये एकदम फुल रेडी है फेंकने के लिए, इसके यानी थोड़े से पार्टिकल्स भी चेंज हैं। फिर हमारी आती है एक्स, जो कि डायमंड के एक्स है, एकदम ही नॉर्मल है ये, मैंने इसको ज़रा भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। और फिर हमारी आती है नेदराइट की एक्स, जो कि मैंने थोड़ी सी किसी से वो इंस्पायरेशन लेकर की है। हेलो वॉलीबेर, ये लो आप रखो, ठीक है। फिर हमारी आती है वुड की स्वॉर्ड, जो कि मैंने बनाई है बेड वॉर्स वालों के लिए, क्योंकि बेड वॉर्स वालों को मतलब ये छोटी तलवारें काफ़ी अच्छी लगती हैं मुझे, सो इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया। फिर मेरी स्टोन की स्वॉर्ड जो है हमारी, वो भी ऐसी ही है, बस उसके ऊपर का ये थोड़ा सा है, जो कि थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ठीक है इसे रहने देते हैं, ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा है। फिर हमारी आयरन के स्वॉर्ड जो है वो भी थोड़ी सी चेंज है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर रेड ब्लड इफेक्ट है, और फिर यहाँ पर भी एक एमरल्ड लगा हुआ है। हेलो भाई, कहाँ के, ओ भाई ये तो गिर गया। खैर, फिर हमारी आती है आयरन की है भाई, सॉरी, ये आयरन की स्वॉर्ड है, आयरन की फेंको यहाँ पे। और यस, हमारी जो गोल्ड की स्वॉर्ड है उसके ऊपर मैंने ज़्यादा चेंज नहीं किया, बस वही किया कि रेड ब्लड इफेक्ट है, और साथ में फिर इसके अंदर एक लैपिस लगा हुआ है। इसके अंदर ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने लैपिस लगा दिया। फिर हमारे डायमंड के स्वॉर्ड के अंदर रेड ब्लड इफेक्ट है, और साथ ही साथ में एक रेड स्टोन लगा हुआ है। मतलब स्वॉर्ड्स के अंदर जो है ना, मैंने चेंजेस करने की कोशिश की है, और साथ ही साथ में जो साथ ही स्वॉर्ड की छोटी वाली जगह होती है ना, ये वाली,
इसको भी मैंने छोटा कर दिया क्योंकि वो बड़ी होती थी ना ज्यादा, तो फिर वो थोड़ी सी मुझे अजीब लगती थी, तो मैंने इसको छोटा कर दिया। ठीक है, फिर हमारी आती है नेदराइट सॉल्ट, जो कि मैंने एकदम ही चेंज कर दी है। मतलब ये पहले फुल ब्लैक होती थी, अब मैंने इसे वाइट एंड ब्लैक कर दिया, ब्लैक एंड वाइट हो गई अब ये। सो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, मैंने खुद ये बनाया है सारा, सो ऑल क्रेडिट्स टू मी। और ये मैंने सारा का सारा टेक्सचर पैक खुद ही, एक एक चीज़ इसकी मैंने खुद बनाई है। ठीक है, सो ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो इसलिए मैंने नेदराइट सॉल्ट को वाइट एंड ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट कर दिया। ठीक है, फिर हमारी आर्मर जो है हमारा वो एकदम नॉर्मल ही है। ठीक है, इसको हैंड में पकड़ने में थोड़ा सा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जाके लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी टेक्सचर पैक के अंदर एनिमेशंस डालूं और इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज करूं और भी अच्छा करके लाऊं, तो आप लोग मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। इसको मैं आपको डाउनलोड करने का भी बता देता हूँ, लिंक मेरा डिस्कॉर्ड लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आप लोगों ने जाना है, टेक्सचर पैक का उधर होगा, वहाँ पर जाके आप इसे इंस्टॉल कर लें, सिंपली सिंपल। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।